पौराणिक महत्व प्राप्त यमराज की ससुराल सरस्वतपुर अब सावनी शहर के नाम से जाने जाने वाली सावनी नगरी 30 मार्च को रामनवमी के पावन पर्व पर राम में होकर शहर के रास्ते लाइटिंग, रंगोली और शहर के मुख्य मार्ग भगवे तोरण, पताका और भंडारों के पंडाल और स्थायी झांकियों से सज उठ हर तरफ बस एक ही नाम, जय श्री राम की गगनभेदी जयकारों से गूंजने लगा। पिछले दो वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हुए सभी आयोजन अब पूर्ववत शुरू होने से लोगों में भारी उत्सुकता का वातावरण निर्माण होने से रास्तों पर उमड़ने वाली भारी तथा राम जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा रामायण प्रसारक मंडल तथा व्यापारी संघ के संयुक्त प्रयासों से आयोजित होने वाली शोभा यात्रा का सावनेर नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य विभागों के कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देशों के कारण भव्य शोभा यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। शोभा यात्रा की शुरुआत मुरलीधर मंदिर में व्यापारी संघ के अध्यक्ष विनोद जैन, सचिव मनोज बसवार, प्रभारी थानेदार प्रदीप कुमार शेवाड़े, शंकर आगलावे, पत्रकार तेज सिंह सावजी आदि गणमान्यों की उपस्थिति में श्री राम जी की पालकी की विधिवत पूजन के साथ शहर के व्यापारी संघ द्वारा की गई। मनाया जा रहा है और सब घर के सामने रंगोली डाली हुई है, दिए लगाए हुए, एक नया वातावरण फिर से रामनवमी का तैयार हुआ। लोगों का एक उत्साह है, ये लोगों को एक पिछले दो सालों से जो रामनवमी की जो सावनवमी परंपरा थी वो थोड़ी कोरोना के कारण खंडित हुई थी, लेकिन जैसे ही ये कोरोना का प्रकोप दूर हुआ सब लोग उसी उत्साह से, उसी उमंग के साथ में फिर से उसी त्यौहार को उसी उत्साह के साथ मनाने के लिए एकजुट होकर उसी तरीके से ये त्यौहार मना है। वो उत्साह सभी धर्मों के लोग एक साथ आ रहे हैं और उनका जो उत्साह पिछले दो चार दिनों से जो देख रहे हैं वो उत्साह एकदम बरकरार है और बढ़ती ही जा रहा है। कई वर्षों से यानी मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, यह शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह बड़े धूमधाम से निकाली जाती है और पूरे शहरवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पर यानी खाना नहीं होता, महाप्रसाद पाव पाव पर यानी पल पल जगह बिल्कुल कई प्रकार के प्रसाद खाने मिलेंगे और झाकिया आप देख ही रहे हैं, तो एक लोगों का उत्साह कितना बना है ये भी देख रहे हैं। NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।